हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 67। इससे पहले हमने 66 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं हुआ, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए फॉर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए बोथ मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में आपको टेस्ट सीरीज के साथ क्विक रिविजन बुक्स मिलेंगे। उसके साथ फॉर्मूला बुक मिलेगा, जहाँ पे क्विक रिविजन बुक में 10,000 प्लस क्वेश्चंस उसके सॉल्यूशन विद आंसर आपको दिया जाएगा, जहाँ से आप प्रैक्टिस करके आप अपने स्कोर को इम्प्रूव करके एम्स के एक अच्छे इंस्टीट्यूट में टॉप एडमिशन ले सकते हो। ओके, टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए, इस जिन स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप कैसे ज्वाइन होना है उसको इस वीडियो में बता दिया जाएगा, कैसे टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा वो सिर्फ। अब टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन हो सकते हो, इसके लिए आपको एक प्ले स्टोर से आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है गूगल क्लासरूम। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे आप प्लस पे आइकन पे, यहाँ पे आप देखोगे प्लस आपको आइनिक आइनिक दिखेगा, यहाँ पे प्लस पे दिखेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ज्वाइन क्लास को यहाँ पे आपको ऑप्शंस आएगा, ठीक है। अब ज्वाइन क्लास का जो ऑप्शंस आएगा, इसमें आपको क्लास कोड की आवश्यकता होती है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लास कोड की आवश्यकता होगी और ये क्लास कोड हमारी टीम से आपको दिए जाएंगे। आफ्टर पेमेंट प्रोसेस आपको ये क्लास कोड मिल जाएंगे और इस तरह से सारी क्लासेस ओपन हो जाएंगे। जिसमें आपका बीएससी नर्सिंग की बात करें, पैरामेडिकल की बात करें, तो यहाँ पे लगभग 60 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। उन सब की आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी जिसमें आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको पता लग जाएगी कि आपने कितने सिलेबस कवर किया है, कितना आपको याद है, कितना नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में आपको सारा पेपर मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हो हर पेपर में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, और यहाँ पे लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको इस तरह से आपको पूरे बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, सबका पेपर आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। ओके, तो यहाँ पे फुल सिलेबस में से सारे पेपर दिए गए। उसके बाद आपको यदि हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम से आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। चाहे आप केमिस्ट्री की बात करें, चैप्टर वाइज यहाँ पे सोल्यूशन भी मिलेगा आपको। उसके बाद एनालिसिस मिलेगा कि किस तरह से आपका आंसर दिया गया। सारी पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल है, जिसे आप ओपन करके इजीली आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ओके, इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारा यहाँ पे दिया हुआ, सब क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं और इसके साथ ही साथ इनका सबका आंसर यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको कहीं भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे या किसी भी टेस्ट सीरीज पे आपको नहीं मिलेंगे जो सबसे कम रुपीज में। ओके, ओनली 499 रुपीज में अवेलेबल है। जो पहले आपको 99 में दिया गया था, अब वो 10 तारीख तक आपको 499 में अवेलेबल हो जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है, इसी तरह से फिजिक्स बायोलॉजी का आपको मिलेंगे। यहाँ पे फिजिक्स का मिल जाएगा, बायोलॉजी का, उसके बाद केमिस्ट्री का आपको मिल जाएगा। वहीं इंग्लिश मीडियम से यदि आप बिलोंग करते हो तो इंग्लिश मीडियम के भी आपको सारे 10,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो केमिस्ट्री चैप्टर वाइज, फिजिक्स चैप्टर वाइज सारे चीज़ आपको सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा, विद सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पे, जिससे आप अपना स्कोर है वो इम्प्रूव कर सकते हो। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री भी आपको सोल्यूशन के साथ मिलेगा, फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स भी आपको सोल्यूशन के साथ मिले। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सारे आपको क्वेश्चंस हैं और उसके बाद में क्विज कौन से एग्जाम पूछे गए और इन सब के आंसर यहाँ पे दिए गए और सारे चैप्टर्स आपका कवर किया गया। ओके, और उसके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और उसके साथ के फिजिक्स का सबका सोर्स नोट्स अवेलेबल है, जिससे आप अपना रिवीजन, क्विक रिवीजन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम इस पीडीएफ को ओपन करेंगे तो यहाँ पे केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, किस चैप्टर से कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है, उसके साथ कौन सा फॉर्मूला आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, तो सारे यहाँ पे है, जिसे आप इजिली रीड करके अपना रिवीजन कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर से लेकर सारे जितने भी फॉर्मूलास है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे आप अपना प्रिपरेशन और तेज कर सकते हो। और ये सब चीजें आपको सारा सब्सक्रिप्शन है ओनली ऑन अभी 10 तारीख तक 499 में अवेलेबल है। तो जिन स्टूडेंट्स को ज्वाइन होना वो ज्वाइन हो सकते हो। अब साथ ही साथ यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आपको मिल जाएंगे, बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के भी आपको सोर्स नोट्स अवेलेबल रहेंगे, जिसे आप एक दिन में ही रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो इससे यहाँ पे आपको काफी, यहाँ पे देख सकते हो काफी बेनिफिट आपको होने वाला है, चीज आपको बता दिया जाएगा। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके फुल सिलेबस में से बायोलॉजी का आपका क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीन्स की तुलना में लक्षणों में कम सामान्य है। तो ये बहुत ही एनसीईआरटी का लाइन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर क्या जाने वाला है, तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा सेकंड, ठीक है। सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को हिंदी मीडियम में समझ में नहीं आता है वो आप इंग्लिश मीडियम की तरफ देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका एक अप्रकाशिक संश्लेषण एरोबिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण मर्दा जीवाणु है। तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपका सेकंड में राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका फर्स्ट राइट आंसर जाएगा। चलिए, नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो ये भी आपको बहुत ईजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है, चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो थर्ड में आपका राइट आंसर जो जाने वाला है वो आपका राइट आंसर जाएगा फोर्थ। फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात करेंगे, फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें से आपका राइट आंसर चुनना है आपको, तो
कौन सा इसमें गलत है, तो वही आपका राइट आंसर होगा। तो फोर्थ में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, फोर्थ में आपका जाएगा फोर्थ, फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है, मतलब ये आपका सही मैच नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है, तो यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर जाएगा, तो फोर्थ में चारों ऑप्शन में, फिफ्थ में आपका राइट आंसर जो आने वाला है वो आपका जाएगा सेकंड, ठीक है, सेकंड यहाँ पे आपको राइट आंसर जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्स नंबर क्वेश्चंस का, बेसमेंट झिल्ली बनी होती है तो किससे बनी होती है, यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन दिए गए, इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो सिक्स में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा थर्ड, थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे सेवन नंबर क्वेश्चन में, सेंट्रोमियर इसके लिए आवश्यक है तो किसके लिए आवश्यक है, यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम की तरफ देख सकते हो, सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर क्रॉसिंग ओवर मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम टूवर्ड्स पोल्स ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्मिक फेज, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो सेवन्थ में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा सेकंड, सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आवृतबीजी पौधों में जल स्थानांतरण का मुख्य मार्ग क्या है, तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो चार ऑप्शन आपको दिए गए, एट में आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम नाइन नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, रंध्र किसके द्वारा खुलते और बंद होते हैं, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या जाने वाला है, नाइन में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो नाइन में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा थर्ड, थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे दस कुफुर कोशिकाएं होती है, तो यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो आने वाला है दस में वो आपका जाएगा थर्ड, थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। ओके थर्ड यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभिवाही तंत्रिका तंतु अवयवों को ले जाती है तो कहाँ ले जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो आपको इलेवंथ में आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, इलेवंथ में आपका राइट आंसर जो जाने वाला है वो आपका जाएगा फोर्थ, फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। ओके फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेगस तंत्रिका होती है, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम में देख लेना है, यहाँ पे सारे ऑप्शन इंग्लिश मीडियम में आपको सही से दिखाई देंगे, तो ट्वेल्थ में आपका आंसर जाएगा वो आपका जाएगा सेकंड, सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, ब्लास्टोस्पोर का उद्घाटन होता है, तो यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन दिए गए, थोड़ा सा एनसीईआरटी में दिया हुआ भी इसके बारे में चर्चा की गई है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 13 में क्या जाएगा, 13 में यहाँ पे आपका जाएगा थर्ड आंसर आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एंजियोस्पर्म मोनोकोट्स का नर गेमेटोफाइट है, तो यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे, माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोनियम न्यूक्लियस, ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टेमेन, तो इसका आंसर क्या जाने वाला है, ठीक है, राइट आंसर 14 में क्या जाएगा, तो 14 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका फर्स्ट राइट आंसर जाएगा। ओके तो यहाँ पे आपका क्या आंसर जाएगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर जाने वाला। नेक्स्ट है पवन परागित फूल है, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, 15 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा फोर्थ, फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है, 15 में आपका क्या आंसर जाएगा, फोर्थ आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वंशागत रोग है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है, इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा 16 में वो आपका जाने वाला थर्ड, थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा, थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे दिया गया है स्तनधारी में बर्ब शरीर का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब बार बॉडी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 17 में आपका राइट आंसर जाएगा थर्ड, थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है, क्या आंसर जाएगा, 17 में थर्ड आंसर आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ड्रोसोफिला के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, तो 18 में आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका फोर्थ, फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है, चार ऑप्शंस दिए आपको। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टेस्ट क्रॉस शामिल है, तो यहाँ पे टेस्ट क्रॉस के बारे में पूछा गया, इन्वॉल्व किसमें होता है, क्या डेफिनेशन है इसकी, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर जाएगा 19 में आपका राइट आंसर जाने वाला है फोर्थ, फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे इकोलाई के बारे में पूछा गया, लेको प्रेरित करता है, तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए और इसमें आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा सेकंड। ओके
तो सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपके फुल सिलेबस में से हैं। और साथ ही साथ यदि आप सभी पीडीएफ ये चाहते हो तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना अच्छा होगा। वहाँ आपका चार्जेस 499 है, जिसमें आपको मिलने वाला है क्विक रिविजन बुक, जिसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन रहेंगे विद सोल्यूशन विद आंसर। उसके साथ रिविजन बुक मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको सभी टेस्ट की पीडीएफ मिल जाएंगे, जितने भी 66 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। और ये आपका 67वां पेपर है, जिसे आप सोल्व करके अपना स्कोर है वो इंक्रीजेस कर सकते हो। ओके, तो कम चार्जेस में आपको बहुत सारा मटेरियल और अपने स्कोर इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो अभी तक भी यदि आपने ज्वाइन नहीं किया, अभी भी आपके पास 1 मंथ अभी बाकी है, तो वो ज्वाइन हो सकते हो। और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो, जिन सभी की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।